फ्रेंड, एक कटोरी चावल के आटे से बनी हमारी न्यू रेसिपी आपको देख के मुँह में पानी आ रहा होगा। तो कैसी रेसिपी है, एकदम न्यू रेसिपी है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है ना, मज़ेदार आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको पसंद हो तो चाहे आप हरी चटनी के साथ में खाइए बना के, या टमाटर सॉस के साथ में बना के खाइए, जैसे आपको पसंद हो। डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। फ्रेंड, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वॉच टाइम को आप पूरा कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसी मेरी रेसिपी बनी है। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है एक कटोरी चावल के आटे से पूरे परिवार का नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा, सिर्फ एक कटोरी चावल के आटे से। अगर आपके पास में आटा नहीं है तो आप चावल भिगा कर मिक्सर में पीस सकती हो और पीस के अच्छे से रेसिपी आपकी बन जाएगी। आधा चम्मच हम नमक लेंगे, सफ़ेद वाला खाने वाला। आधा चम्मच से कम हम अजवाइन डालेंगे। आधे चम्मच से कम हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड डालेंगे, रिफाइंड भी डाल के मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच लगाएंगे रिफाइंड है हमारा। चावल के आटे में पूरा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा तेल पानी डाल के इसको हम गूंथेंगे। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, तो हमारा आटा गीला हो जाएगा तो अच्छे से हमारी रेसिपी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। आटा हमारा गूंथ चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। फ्रेंड, अगर आप खाना चाहें तीखा तो आप तीखा खाना चाहें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं। लेकिन हम बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम ऐसे ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमको चटपटा नहीं बनाना है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। एक भगोना में थोड़ा सा पानी लेकर इसको रख देंगे, एक प्लेट से ढक देंगे। पानी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो अपनी रेसिपी बनाएंगे। हो चुका है, अब हम अपना आटा देख लेते हैं। आटा से आटा चमक लेते हैं, गया है अच्छे से। हाथों में हमें तेल लगा के बनाना है, चाहे आप तेल लगाओ या पानी लगाओ या घी लगाओ, जैसे आपको सही लगे। देख सकते हैं सारी गोलियां मैंने वैसे ही बना ली है, सारी गोलियां हमारी बन चुकी है। थोड़ा हमें दूर दूर रखना है, नहीं तो चिपक जाएगी गोलियां हमारी आपस में, दूर दूर रखेंगे तो चिपकेगी नहीं। पानी देख लेते हैं, पानी से हमारे भाप निकल रहे हैं, काफ़ी उबल रहा है। अब इस पर हम अपनी चलनी रखेंगे। एक एक गोली हम इसमें रख देंगे चलनी में, अपनी थोड़ा दूर दूर ही रखना है, तो करीब रखेंगे तो ये हमारी चिपक जाएगी सारी गोली। इसी तरीके से हमें सारी गोलियां रख लेनी है। अब इसको हम अपने भगोने पे रखेंगे। अब हम एक प्लेट से इसको हम ढक देते हैं। गैस की फ्लेम हम एकदम से तेज रखेंगे, हाई फ्लेम पर, लो नहीं रखना है। इस
गोल की हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है। थोड़ा सा मेरे गोलियाँ सही बच गई थी, पूरा नहीं आया था, इसको भी हम रख देंगे, ये भी अच्छे से उबल जाएगा हमारा। ऐसे ऐसे रख दीजिए, दोबारा से हम रख देंगे। हमारी गोलियाँ सारी उबल चुकी हैं, रेसिपी हमारी अच्छे से बन चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे। गोलियाँ हमारी अच्छे से बन चुकी है, देखिए कितनी सॉफ्ट हैं गोलियाँ हमारी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में अपने हम घी डाल लिए हैं, कढ़ाई में हम अपने घी डाले हैं। आप चाहो रिफाइंड भी ले सकते हो या सरसों का तेल, आधा चम्मच हम डालेंगे। राई, ये हरी मिर्च मैंने ये कटी हुई ली है, आप जैसे तीखा खाना चाहें तीखा के लिए कर सकते हैं। कुछ हमारी कड़ी पत्ता है, आधा चम्मच जीरा लिए हैं, आधा चम्मच हमारा मेथी है, आपको पसंद हो तो आप डालिए, जो नहीं पसंद है तो मत डालना। आप चाहो तो लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हो, लेकिन हम भी डाले हैं, अगर आपको पसंद हो तो डालना, नहीं अगर आपको पसंद हो तो चावल के आटे में आप डालिए। जीरा अजवाइन नहीं पसंद है तो मत डालना। अब हम फ्राई करेंगे अपनी सारी गोलियाँ, इसको हम इसे चलाते रहेंगे। फ्राई हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से बनाइए, एक बार आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आप जैसा खाना चाहें वैसा डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक हमारा पहले से ही पड़ा है, इसे हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। गोली हमारी सारी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। ऐसे ही सारी गोलियाँ निकाल लेंगे एक प्लेट में। कटोरी आटे से हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रेसिपी बनी है। आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ में आप खा सकते हैं फ्रेंड, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ में आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप नारियल की चटनी के साथ में खा सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो केचप के साथ में आप खा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो कोई भी चटनी आप ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। कितना सॉफ्ट कितना अच्छा बना है हमारी ये रेसिपी, जैसा आप पसंद करें वैसा आप खा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एक बार भी आप इसी तरीके से बना के खाइए और कमेंट में बताइए कि कैसी बनी हमारी रेसिपी। फ्रेंड अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल के आप सपोर्ट करें। थैंक यू। Thank you.